बड़ी खबर यही है कि बीजेपी की पांचवी जो सूची है वो जारी हो चुकी है और इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत को टिकट मिला है, वहीं मेरठ से अरुण गोविल उम्मीदवार हैं। वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कट गया है। अब तक 402 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पांचवी सूची जारी हो चुकी है और इस सूची में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट मिला है, तो वहीं अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दिया गया है। अब तक 402 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। बता दें आपको कि जो पहले फेज की वोटिंग है उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 27 तारीख को होनी है, आखिरी दिन 27 तारीख है। ऐसे में तमाम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाना बेहद जरूरी और ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ी लिस्ट जारी कर दी है। पांचवी लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। कई दिग्गजों के नाम कट गए हैं, वीके सिंह, वरुण गांधी, वो नाम जिनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया गया, उन्हें टिकट नहीं मिला इस बार। तो वहीं हिमाचल की मंडी से उम्मीदवार कंगना रनौत है और राजनीति में रामायण के नाम यानी कि अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी खास बातें और आइए कुछ खास नाम हम आपको बता देते हैं बीजेपी की, क्योंकि पांचवी लिस्ट जारी हो चुकी है, इसमें 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। आपको अब कुछ बड़े नाम भी हम बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दो सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सीट मंडी जहां से कंगना रनौत आती है और उन्हीं को वहां से टिकट मिला है। अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दिया गया है। पुरी से संबित पात्रा को एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट मिला है। कानपुर से मेनका गांधी को वापस रिपीट किया गया, उन्हें फिर से टिकट मिला है। वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कट गया है, उनकी जगह जतिन प्रसाद को टिकट मिला है जो कि बीजेपी में शामिल हुए एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। ऐसे में गाजियाबाद से, तो वहीं वीके सिंह का टिकट कटा है, गाजियाबाद से उन्हें एक बार फिर से मौका नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर कल इस बात का जिक्र किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब तक आपको बता दें कि बीजेपी के 402 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। मेरा पूरा भरोसा है पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी उसकी सही उत्तर देंगे, सही जिम्मेवारी लेंगे। देश बीते 10 साल से विकास की एक नया धारणा खड़ा किया है, एक नया हिमालय बनाया है। आने वाले 2047 तक भारत को विकसित करना, प्रदेश को विकसित करना, उड़ीसा को विकसित करना, ये हम सभी की संकल्प है। इसी संकल्प के साथ इस बार चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की बहुत प्रामाणिक विजय होगी, उसमें पटना साहिब से भी एक बहुत सशक्त योगदान हो, ये मेरी कोशिश होगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़ी हस्तियों समेत 111 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बाद बीजेपी ने अपनी पांचवी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 17 राज्यों के 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश की 6, बिहार की 17, गोवा की 7, गुजरात की 6, हरियाणा की 4, हिमाचल प्रदेश की 2, झारखंड की 3, कर्नाटक की 4, केरल की 4, महाराष्ट्र की 3 और मिजोरम की 1, ओडिशा की 18, राजस्थान की 7, यूपी की 13 और बंगाल की 19 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई। बीजेपी की पांचवी लिस्ट कई दिग्गजों के लिए होली पर खुशियों के रंग लेकर आई, तो कईयों का होली का रंग फीका पड़ गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत को टिकट मिला, तो वहीं मेरठ से अरुण गोविल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पुरी से संबित पात्रा, दुमका से सीता सोरेन और सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है। वहीं पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है, उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। गाजियाबाद से वीके सिंह की जगह स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 402 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले 4 लिस्ट में बीजेपी के 291 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है।
तो देखिए पांचवी लिस्ट में कई उम्मीदवारों का पत्ता साफ हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटा, बदायूं से संघामित्र मौर्य का टिकट कटा जो कि स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी है, उनका टिकट कटने के आसार नजर आ रहे थे और कुछ वैसा ही नजारा टिकट बांटने के दौरान भी नजर आया, ऐलान जब हुआ लिस्ट में भी नजर आया। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटा, कांगड़ा से सांसद किशन कपूर का टिकट कटा है, झारखंड में तीन सांसदों का टिकट कटा है, वरुण गांधी का भी टिकट कटा है, जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें नए चेहरों की तो नए चेहरों को भी मौका इस लिस्ट में मिलता हुआ नजर आया है। और होली पर आई बीजेपी की पांचवी सूची ने कई सांसदों के लिए रंगों के त्योहार को फीका भी कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पांचवी लिस्ट में कई सांसदों के टिकट कटे हैं। बीजेपी के कई वर्तमान सांसद इस बार पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। बक्सर से बीजेपी सांसद अश्वनी चौबे, सासाराम से सांसद छेदी पासवान और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद को टिकट नहीं मिला है। वहीं झारखंड में भी तीन सांसदों के टिकट कट गए हैं। दुमका से सुनील सोरेन, चतरा से सुनील सिंह और धनबाद से पशुपतिनाथ सिंह को टिकट नहीं मिला है। वहीं यूपी के लिए भी बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिनमें से 9 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है। यूपी में बीजेपी ने जिन सांसदों का टिकट काटा है उनमें गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, बरेली से संतोष गंगवार का नाम शामिल है। इनके अलावा कानपुर के सत्यदेव पचौरी, बदायूं से संघमित्रा मौर्य, बाराबंकी के उपेंद्र सिंह रावत, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर, बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल शामिल हैं। वहीं राजस्थान के लिए जारी की गई बीजेपी की 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है। और आइए बीजेपी की पांचवी लिस्ट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स हम आपको दे देते हैं। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट मिला है। कंगना रनौत मंडी से ही आती हैं और उन्हें वहां से टिकट दिया गया है। मेरठ से टिकट दिया गया है अरुण गोविल को, उन्होंने इसको लेकर धन्यवाद भी किया। संबित पात्रा पूरी ओडिशा, इनको एक बार फिर से टिकट मिला है। तो पांचवी लिस्ट में वो बड़े नाम है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। तो बीजेपी की लिस्ट कब कब और कितने उम्मीदवारों के साथ जारी की गई है ये भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी की लिस्ट पहली सूची जब जारी की गई तो उसमें 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। दूसरी सूची में 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। तीसरी लिस्ट आई तो उसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। चौथी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए और अब तक की सबसे बड़ी लिस्ट आई है पांचवी लिस्ट, जिसमें 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। 17 राज्यों के 111 उम्मीदवार और कुल मिलाकर अब तक बीजेपी 402 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। देखिए फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सियासी पिच पर अपनी पहली पारी खेलने को तैयार है। कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अब सियासत में भी अपना डेब्यू करने जा रही हैं। बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत मंडी की ही रहने वाली हैं। मंडी लोकसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। बीजेपी को उम्मीद है कि कंगना रनौत एक बार फिर बीजेपी को मंडी सीट वापस दिला सकती हैं। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कंगना रनौत ने बीजेपी का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी बीजेपी को मेरा हमेशा बिना शर्त समर्थन रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मंडी सीट से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। मैं चुनाव लड़ने के बीजेपी के फैसले का पालन करूंगी, पर पार्टी में शामिल होने पर सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और एक विश्वसनीय लोक सेवक बनने के लिए तत्पर हूं। कंगना की उम्मीदवारी पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के पास राजनीतिक लोग नहीं है, इसलिए उसने कंगना रनौत को चुनाव में उतारा है। तो ओडिशा के पुरी से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को टिकट मिला है, उनका क्या कुछ कहना था ये आपको सुनवाते हैं। होली के इस पावन अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पूरी धाम में मैंने किया है। दर्शन करके मैंने महाप्रभु जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल सोचा कि अपने सेवक के रूप में उन्होंने मुझे पूरी बुलाया है। मैंने धन्यवाद दिया महाप्रभु के समक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को एवं हमारे सीईसी के समस्त सदस्यगणों को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृवृंद को कि उन्होंने पुनः मुझे एक बार पूरी के लिए एक प्रार्थी के रूप में चयनित किया है।
और आपको ये बता दें कि मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिला है, रामायण के राम को टिकट दिया गया है। कुछ डिटेल्स हम आपको बता दें कि 1991 में अरविंद त्रिवेदी साबरकांठा से वो सांसद थे। अब तक रामायण के किरदार जो रहे हैं उनको कब कब टिकट मिला है और कब कब वो सांसद रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 1991 में दीपिका ट्रिकलिया जो कि सीता का रोल करती हुई आपको नजर आई, वडोदरा से वो सांसद रही है। 2024 यानी कि रामायण के राम अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिला है। अभी दो तीनों ही जो ये किरदार हैं ये बीजेपी से इनको टिकट मिला और बीजेपी से ये सांसद रहे हैं। वहीं बीजेपी में उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर भी बड़ा दांव खेला गया है। पार्टी ने यहां से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अभिनेता अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पांचवी लिस्ट में फिल्म जगत की कई हस्तियों को टिकट दिया है। हिमाचल की मंडी सीट से जहां कंगना बीजेपी के लिए ताल ठोकेंगी, वहीं यूपी के मेरठ से बीजेपी ने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर अरुण गोविल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी और बीजेपी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के भरोसे और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं लोकसभा टिकट मिलने के बाद जी न्यूज से बात करते हुए अरुण गोविल ने मेरठ की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि भगवान राम सबका अच्छा करेंगे। वो भी राम जी भले करेंगे, जब तक राम जी ने सब अच्छा किया तो आगे भी सब अच्छा ही होगा। अरुण गोविल अगर लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो वो रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी और सीता बनी दीपिका चिखलिया के बाद रामायण सीरियल से तीसरे बीजेपी सांसद होंगे। तो देखिए बीजेपी ने अपनी पांचवी सूची जारी कर दी है। 27 मार्च को होना है नामांकन की प्रक्रिया। ऐसे में बीजेपी ने पांचवी सूची जारी कर दी, 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कंगना रनौत को टिकट मिला है हिमाचल प्रदेश के मंडी से और वो अपनी किस्मत आजमाती हुई मंडी से नजर आएंगी लोकसभा सीट से। और वहीं अरुण गोविल उत्तर प्रदेश के मेरठ से उन्हें टिकट मिला है। उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है और कहा है कि जैसा राम जी चाहेंगे वैसा सब कुछ अच्छा होगा आगे। तो वहीं ओडिशा के पुरी से संबित पात्रा को टिकट मिला है और वो ओडिशा के पुरी पहुंचे और उन्होंने दर्शन भी किए और उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश हैं। सीता सोरेन दुमका से, झारखंड से उन्हें टिकट मिला है, झारखंड के दुमका से सीता सोरेन। और साथ ही कुछ ही दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हुई है। मेनका गांधी को एक बार फिर से यूपी के सुल्तानपुर से, क्योंकि सुल्तानपुर एक हॉट सीट है और यहां से मेनका गांधी को मिला है टिकट। टिकट कटा है वरुण गांधी का पीलीभीत उत्तर प्रदेश, और जितिन प्रसाद को उनकी जगह इस बार टिकट मिला है। Z News.